स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड डिस्टेंस के प्रपोज किए हुए एल्गोरिथम मिनिमम एडेड डिस्टेंस को यूज़ करते हुए मैथ की स्ट्रिंग को हम आर्ट्स की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 11th स्टैंडर्ड डिस्टेंस हम तीन ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इसमें इंसर्ट ऑपरेशन, जिसे हॉरिजॉन्टल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये है, और डिलीट ऑपरेशन या फिर हम इसे रिमूव ऑपरेशन भी कहते हैं, इसके लिए वर्टिकल एरो यूज़ किया जाता है। सब्सटीट्यूशन ऑपरेशन या फिर रिप्लेस ऑपरेशन भी कहा जाता है इसे, और इसके लिए डायगोनल एरो यूज़ किया जाता है। अब हम इसे फिल कर लेते हैं। तो जो हमारी स्ट्रिंग्स है, जो पहली स्ट्रिंग होगी जिसे हमने कन्वर्ट करना है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली इस साइड पे, और जिस स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट करना है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी बेस कंडीशंस फिल कर लेते हैं। इस मैट्रिक की दो बेस कंडीशन है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। सबसे पहले हम बेस कंडीशंस को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इस तरह से लिख लेना है इन दोनों स्ट्रिंग्स को। तो जब हम पहले नल को नल में अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें ज़ीरो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर हम नल स्ट्रिंग को ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एक इंसर्ट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी तरह नल स्ट्रिंग को अगर हम ए आर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए दो ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसके साथ हम एरोस भी लगाएंगे, क्योंकि ये इंसर्ट के ऑपरेशन के साथ हम इसे बना रहे हैं। तो इसलिए आपने इस तरह से बेस कंडीशंस को फिल अप कर लेना है। इस तरह से हमारी बेस कंडीशंस फिल अप हो जाएंगी। अब हम इन सेल्स को फिल करने के लिए दो रूल्स का ख्याल रखेंगे। अगर तो रो का जो करैक्टर है वो कॉलम के करैक्टर के इज इक्वल टू नहीं है, तो हम तीन सेल में से, इन तीन सेल्स में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसे लेंगे और उसमें से एक प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। अगर रो का करैक्टर कॉलम के करैक्टर के बराबर है, मैच कर जाते हैं रो का करैक्टर और कॉलम का करैक्टर, तो हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वैल्यू होगी उसे हम कॉपी करेंगे सीधा और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आइए हम यहाँ पे अब फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेक्टर चेक करेंगे इस सेल के लिहाज से। रो का करेक्टर ये बनता है एम, और कॉलम का करेक्टर जो है वो बनता है ए। इट्स मीन के ये मैच नहीं कर रहे, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे। इस रूल के तहत इस वाले सेल को हम फिल करेंगे। तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू लेंगे हम, जो के ज़ीरो है, और इसमें से एक प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह अब हम इस सेल के लिहाज से रो का करेक्टर और कॉलम का करेक्टर चेक करेंगे। मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो हम इस इन तीनों सेल्स में से जो कम वैल्यू होगी उसे लेंगे और उसमें से एक प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बल्कि एक है इधर भी और एक इधर है, तो हम यहाँ से भी वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से भी एरो लगा दिया और यहाँ से भी लगा दिया। इसी तरह दूसरे सेल्स भी अब हम फिलअप करेंगे। ये भी इसके इस वाले सेल्स के लिहाज से भी जो है रो का जो करेक्टर मैच नहीं कर रहा था, हमने यही फार्मूले के तहत इसे फिल किया। तो यहाँ पर भी रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू में एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें तो ए जो है इस वाले ए के साथ, रो का जो करेक्टर है कॉलम करेक्टर के साथ मैच कर रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे सिर्फ। अब इस सेल के लिहाज से रो का करेक्टर और कॉलम करेक्टर मैच नहीं कर रहे, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इसमें से एक ऐड करेंगे इस वैल्यू में और यहाँ पर लिख देंगे। इस सेल के लिहाज से भी रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, लिहाजा हम एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। इस सेल के लिहाज से भी मैच नहीं कर रहा रो का करेक्टर और कॉलम का करेक्टर,
तो हम ऐड करेंगे एक और यहाँ पर लिख देंगे इस सेल के लिहाज से भी रो का करेक्टर और कॉलम के करेक्टर मैच नहीं कर रहे, तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे इन तीनों सेलों में से और इसमें से एक ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा तो हम मिनिमम वैल्यू को लेंगे और इसमें से एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अभी इस सेल के लिहाज से मैच हो रहा है टी, ये इस टी के साथ मैच कर रहा है रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ, लिहाजा हम यहाँ से वैल्यू लेंगे और इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। जस्ट इस सेल के लिहाज से मैच नहीं हो रहा, रो का करेक्टर कॉलम का करेक्टर मैच नहीं हो रहे, लिहाजा हम मिनिमम वैल्यू लेंगे मिनिमम वैल्यू और इसमें से एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अब सबसे जो है पहले हम करेक्टर चेक करेंगे, ये करेक्टर इस करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ, लिहाजा हम मिनिमम वैल्यू लेंगे उसमें से एक ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा तो हम एक ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पर भी एच किस के साथ मैच नहीं कर रहा, लिहाजा हम यहाँ पर भी ऐड करके लिख देंगे। और इस सेल के लिहाज से भी रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, लिहाजा हम मिनिमम वैल्यू में एक ऐड करेंगे और लिख देंगे यहाँ। अब इस सेल के लिहाज से भी मैच नहीं हो रहा रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ, लिहाजा मिनिमम वैल्यू लेंगे उसमें एक ऐड करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह इस सेल में भी मैचिंग नहीं हो रही, एक ऐड करेंगे और लिख देंगे। एस टी के साथ मैच नहीं कर रहा, लिहाजा एक ऐड करके लिख देंगे। अब ये वाला जो एस है इस एस के साथ मैच कर रहा है, मतलब जो है इस सेल के लिहाज से रो करेक्टर कॉलम करेक्टर के साथ मैच कर रहा है, तो इस रूल के तहत हम जस्ट कॉपी करेंगे ये वाला और यहाँ पर ये वैल्यू पेस्ट कर देंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो सेल हमने फिल किया था एम का करेक्टर ए के साथ मैच नहीं कर रहा था, रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ, तो हमने इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू ली थी, जीरो थी जो के उसमें एक प्लस करके यहाँ पर लिखा था 0 + 1 1, तो हमने यहाँ पर एरो नहीं लगाया, तो आपने भूलना नहीं, तो ध्यान से एरो भी साथ में ज़रूर लगाने। और यहाँ पर हमने जो 4 लिया है, एस जो था रो का करेक्टर कॉलम के करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो हमने मिनिमम वैल्यू ली इन तीन सेल्स में से, उसमें से एक प्लस करके यहाँ पर लिया, तो 3 भी मिनिमम था और यहाँ पर भी 3 मिनिमम था, तो हम यहाँ पे से भी एक एरो शो करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये एरो यहाँ पे भी आना था। अब हम एडिट ट्रांसक्रिप्ट फाइंड करेंगे, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस सेल से लेकर इस सेल तक जितने भी पाथ बनते हैं इन एरोस को फॉलो करते हुए हम वो ढूंढ लें। तो सबसे पहला जो पाथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लेके आ रहा है, और जो दूसरा पाथ है वो हमारे पास एरोस को फॉलो करते हुए हमने पाथ फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक और फिर हमें इस सेल तक ले जाएगा। और एक और पाथ है जो यहाँ से लेकर यहाँ पर आने के बाद अगर हम इस तरफ मुड़ जाएं इस एरो को फॉलो करते हुए तो हम यहाँ तक आ सकते हैं इस सेल तक, और फिर यहाँ से फिर इस तरफ और फिर यहाँ तक हम आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और पाथ नहीं है, सिर्फ ये 3 पाथ ही हैं। तो हम अब फाइंड करते हैं, तो अगर तो ये एरो है हमारे पास तो हम आर का करेक्टर भी लिखेंगे, रो का करेक्टर भी और कॉलम का करेक्टर भी। अगर ये एरो है हमारे पास तो हम रो का करेक्टर लिखेंगे लेकिन कॉलम का करेक्टर नहीं लिखेंगे, और अगर ये हमारे पास एरो है तो हम रो का करेक्टर नहीं लिखेंगे कॉलम का करेक्टर लिखेंगे। और रो और कॉलम के करेक्टर लिखते हुए हमने ध्यान रखना है कि रो का करेक्टर ऊपर होना चाहिए और कॉलम का करेक्टर हमेशा नीचे होना चाहिए। तो पहले पाथ को फॉलो करें तो हम ये हमारे पास ये वाला है निशान, तो हम रो का करेक्टर लिखेंगे मतलब, और कॉलम का करेक्टर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर आते वक्त इस सेल के लिहाज से रो का करेक्टर ये है और कॉलम का करेक्टर है ही नहीं, अगर होता भी तो हमने लिखना नहीं था, मतलब एम लिखेंगे और इसे वैसे ही छोड़ देंगे। एम लिख लिया हमने और कॉलम का करेक्टर हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर
इस तरह एक लाइन लगा देंगे। अब हम इस सेल से इस सेल की तरफ आए हैं, मतलब ये वाला एरो है, तो रो का करेक्टर भी लिखना है और कॉलम का करेक्टर भी लिखना है हमें। तो इस सेल के लिहाज से रो का करेक्टर ये है और कॉलम का करेक्टर ये है, मतलब ए और ए लिख देंगे हम। अब हम इस सेल से इस सेल पर जब आए हैं तो रो का करेक्टर ये बनता है और कॉलम का करेक्टर ये बनता है। तो ये डायगोनल एरो है, तो हम इसका मतलब ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। टी पहले आएगा और आर नीचे। अब हम इस सेल से जब इस सेल की तरफ गए हैं तो यहाँ पर एच है और यहाँ पर टी है, क्योंकि ये डायगोनल एरो है, तो डायगोनल एरो की वजह से हम रो का करेक्टर भी लिखेंगे और कॉलम का करेक्टर भी लिखेंगे। तो एच और टी, एच यहाँ पर आ गया और इधर आ गया टी। तो अब यहाँ से इस सेल की तरफ आए हैं तो ये भी डायगोनल एरो है, तो हम एस भी लिखेंगे और ये वाला एस भी लिखेंगे। अब हमने एक और काम करना है, क्योंकि ये मैच करते हैं करेक्टर, तो इसका मतलब है मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस हुई है, मतलब कि कोई ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हुआ। जब इस करेक्टर से इनको देखें तो इसका मतलब ये रिप्लेस ऑपरेशन है, ये पहले ये करेक्टर था लेकिन इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए ये करेक्टर बन गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिप्लेस ऑपरेशन। यहाँ पर भी रिप्लेस ऑपरेशन है, यहाँ पर फिर मेंटेनेंस और यहाँ पर है डिलीट ऑपरेशन, मतलब ये कि पहले करेक्टर था और बाद में नहीं था, तो ये डिलीट ऑपरेशन हमारे पास आ गया। मेंटेनेंस के लिए हम जीरो वैल्यू लेते हैं और बाकी इस ऑपरेशन के लिए हम एक एक वैल्यू लेते हैं। इसमें वन टू और थ्री, इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करें तो हमारे पास तीन वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए हमें तीन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े हैं। इसी तरह अब हम दूसरे करेक्टर, मतलब दूसरे पाथ के थ्रू हम अब यहाँ से इस तरफ आएंगे इस वाले सेल में, और इस सेल से इस वाले सेल में, इस सेल से इस वाले सेल में, इस सेल से इस वाले सेल में, और यहाँ से फिर यहाँ तक आएंगे। तो इसको अब हम फिल करेंगे। जब हम इस सेल से इस सेल में आए हैं तो इसका मतलब यह है कि डायगोनल एरो है, और अब हम दोनों करेक्टर लिखेंगे, रो का भी और कॉलम का भी, एम और ए। अब हम इस सेल से इस सेल में आए हैं तो इसका मतलब अब हम डायगोनल एरो है, तो हम ए लिखेंगे और आर लिखेंगे। अब हम इस सेल से इस सेल पे आए हैं तो टी लिखेंगे और यहाँ पर भी टी लिखेंगे। और इस सेल से इस सेल की तरफ आते हुए हमारे पास ये वाला है एरो, तो इसमें हम रो का करेक्टर तो लिखेंगे लेकिन कॉलम का करेक्टर नहीं लिखेंगे। तो रो का करेक्टर हमारे पास इस सेल के लिहाज से एच है, और जो कि कॉलम का करेक्टर है वो टी है, लेकिन टी हम लिखेंगे नहीं, एच लिखेंगे और टी की यहाँ पर टी नहीं लिखना हमने, कॉलम का करेक्टर यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लगा देते हैं। अब हम इस सेल से इस सेल की तरफ आए हैं तो इसमें इनके डायगोनल एरो है, तो हम रो का करेक्टर भी लिखेंगे और कॉलम का करेक्टर भी लिखेंगे, ये वाला एस और ये वाला एस। यहाँ पर भी जो सेम है उनके लिए हम एम लिख देंगे, क्योंकि ये भी सेम है, दोनों सेम है, एस है और यहाँ पर भी एस, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी। तो यहाँ पर एक करेक्टर था लेकिन यहाँ पर डिलीट हो गया, तो इसमें यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर ए था और यहाँ पर आर आ गया ए की जगह पर, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर भी रिप्लेस ऑपरेशन। मेंटेनेंस के लिए हम ज़ीरो ऐड करेंगे वैल्यू, और इन बाकी ऑपरेशन के लिए वन वन ऐड करेंगे, तो वन टू और थ्री, इसका मतलब ये भी थ्री वैल्यू आई हमारे पास। तो जितने भी हम पास फॉलो करेंगे तो उनके ज़रिए मतलब कि उनकी जो वैल्यू आएंगी वो हमेशा सेम होगी। यहाँ पर थ्री आया तो इसका मतलब यहाँ पर भी थ्री आना चाहिए।
अब हम तीसरे पाथ को फॉलो करते हुए एडिट ट्रांसक्रिप्ट को फाइंड करेंगे। पहले इस सेल से इस सेल की तरफ आएंगे, फिर इस सेल से इस सेल की तरफ, और फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं तीसरा हमारा। तो सबसे पहले हम इस सेल की तरफ आएंगे जब, तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल एरो है, इट्स मीन के हमने रो का करेक्टर लिखना है लेकिन कॉलम का करेक्टर नहीं लिखना। तो रो का करेक्टर हमारे पास एम है, तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं एम, और यहाँ पर अब हमने ये वाला कॉलम का करेक्टर नहीं लिखना। तो यहाँ पर अब ओ है डायगोनल एरो, इट्स मीन के अब हमने रो का करेक्टर भी लिखना है और कॉलम का करेक्टर भी लिखना है, जो कि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अब हम ये यहाँ से इस सेल की तरफ आएंगे, तो इट्स मीन ये हॉरिजेंटल एरो है। तो हॉरिजेंटल एरो में हम रो का करेक्टर नहीं लिखते जबकि कॉलम का करेक्टर लिखते हैं। तो इस सेल के लिहाज से रो का करेक्टर ये है और कॉलम का करेक्टर ये है। रो का करेक्टर हमने नहीं लिखना लेकिन कॉलम का करेक्टर हम लिखेंगे, आर है जो के। अब हम इस सेल से इस सेल की तरफ आएंगे, तो इट्स मीन डायगोनल एरो है, तो रो का करेक्टर भी लिखना है और कॉलम का करेक्टर भी लिखना है। और अब हम इस सेल से इस सेल की तरफ आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमने रो का करेक्टर लिखना है लेकिन कॉलम का करेक्टर नहीं लिखेंगे। तो इस सेल के लिहाज से हमारे पास जो रो का करेक्टर वो एच है और कॉलम का करेक्टर जो है हमारे पास वो टी है। तो एच हमने लिखना है लेकिन टी हम नहीं लिखेंगे। तो अब हम इस सेल से इस सेल की तरफ आएंगे, तो रो का करेक्टर भी लिखेंगे और कॉलम का करेक्टर भी लिखें क्योंकि डायगोनल एरो है हमारे पास एस और एस। तो ये हमारे पास सेम है एस और एस, तो इसका मतलब नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, सेम ही रहा। और यहाँ पर भी कोई ऑपरेशन नहीं और यहाँ पर भी कोई ऑपरेशन नहीं, इसलिए हमने एम लिख दिया है जो कि मेंटेनेंस को शो करता है। तो यहाँ पर पहले करेक्टर था और यहाँ पर नहीं है, इट्स मीन के डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। यहाँ पर नहीं था करेक्टर लेकिन यहाँ पर आर है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और यहाँ पर डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो मेंटेनेंस के लिए हम जीरो वैल्यू को ऐड करेंगे जबकि बाकी ऑपरेशन के लिए हम वन ऐड करेंगे। तो हमारे पास इनकी वैल्यू जब काउंट करें तो थ्री आ जाती है। तो ये जो वैल्यूज हैं पाथ की, ये हमारे पास सेम आनी चाहिए जितने भी पाथ हों हमारे पास, पॉसिबल पाथ, ज़रूरी नहीं है कि तीन ही होंगे। तो इस मैट्रिक के लिहाज से हमारे पास तीन पाथ थे, तो इनकी वैल्यू सेम है।